हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023, पुलिस कांस्टेबल के न्यू पोस्ट यहां पे आउट कर दिए गए हैं। टोटल 298 वैकेंसीज को आउट कर दिया गया है, जिसमें कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के पोस्ट देखने को मिल रही है, इसी तरह कांस्टेबल कम्युनिकेशन के पोस्ट देखने को मिल रही है। एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 से लेकर 30 ईयर्स की एज लिमिट रहने वाली है। 7 सितंबर 2023 से ऑलरेडी आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन पास है तो आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हो। मेल एंड फीमेल दोनों यहाँ पे एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की, उसके बाद आपको कांस्टेबल कम्युनिकेशन की ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहां पर आपको बैच की लिंक मिलेगी, आप उस लिंक पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। जिनके 15 सितंबर से आपके जो है क्लासेस स्टार्ट होंगे, अगर आप बैच में जुड़ना चाहते हैं तो जाइए और ज्वाइन कीजिए। तो चलिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो ये आपके सामने पहली नोटिफिकेशन, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख पुलिस हेडक्वार्टर्स लद्दाख की तरफ से ये ऑप्शन नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है। एडवर्टीजमेंट नोटिस फॉर पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के पोस्ट है, जिनमें 264 टोटल वैकेंसीज लेवल 2 यहाँ पे आपकी लेवल रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास है तो आप एलिजिबल है, उसके साथ अगर आप SPO है, उसके साथ अगर आप 8th पास है तो भी आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 28 ईयर्स की एज जो है यहाँ पे मेंशन के साथ में ये भी बताया गया है कि हाउ एवर इन रेफरेंस टू दिस बाय होम डिपार्टमेंट द प्रिस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल हैज़ बीन एनहेंस्ड 2 ईयर्स टू 30 ईयर्स। यानी कि अब यहाँ पे 18 से लेकर 30 ईयर्स तक आपकी एज लिमिट रहने वाली है, एज पर जो इन्होंने जो है रेफरेंस यहाँ पे मेंशन की है बाय होम डिपार्टमेंट। और जो ऑलरेडी सर्विस में है उनके लिए यहाँ पे 37 ईयर्स तक अपर एज लिमिट रहने वाली है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स, हाइट यहाँ पे मेल के लिए 162 सेंटीमीटर रहने वाली है, फीमेल के लिए 152 मिनिमम, एंड चेस्ट मेल के लिए यहाँ पे अनएक्सपेंडेड मिनिमम 81 सेंटीमीटर्स, एक्सपेंडेड मिनिमम 85 सेंटीमीटर्स। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन, आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आपको ड्राइविंग है, उसके साथ आपको लाइट मोटर व्हीकल की ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, साथ में 1 ईयर की सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पे कैसे रहने वाला है, सबसे पहले आपका टेस्ट लिया जाएगा और एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट टेस्टमोनियल्स के टेस्ट होंगे, ड्राइविंग टेस्ट होगा आपका, कंप्यूटर टेस्ट होगा और रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस होंगे। लॉन्ग रेस की बात करेंगे तो मेल के लिए 1600 मीटर्स 7 मिनट्स 30 सेकंड्स के अंदर आपको लॉन्ग रेस करनी होगी, एंड फीमेल के लिए 1000 मीटर्स जिसमें 7 मिनट्स 30 सेकंड्स आपको दिए जाएंगे। पुशअप्स 20 यहाँ पे रहने वाली है, एंड शॉट पुट 4 kg 4.5 फीट इन 3 अटेम्प्ट्स। लॉन्ग जंप जो मेल के लिए है वो 12 फीट इन 3 अटेम्प्ट्स, एंड लॉन्ग जंप फॉर फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे 9 फीट इन 3 अटेम्प्ट। रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप, 100 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स यहाँ पे रहने वाला है, और साथ में यहाँ पे ये भी बताया गया है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप तुक्का भी आसानी से लगा सकते हैं। पेपर नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप, 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, जनरल साइंस एंड अर्थमेटिक एबिलिटीज़, यहाँ पे डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, आप जा सकते हैं और देख सकते हैं। वैकेंसीज यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसीज दी हुई है, टोटल 264 वैकेंसीज हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे तो 500 आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। ये आपके सामने सेकंड नोटिफिकेशन, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, लद्दाख की तरफ से, लद्दाख पुलिस की तरफ से नोटिफिकेशन आउट कर दी गई फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल कम्युनिकेशन। टोटल 34 वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए, उसके साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में जो है 12th होना चाहिए, ठीक है। 18 से लेकर 30 ईयर्स की यहाँ पे एज लिमिट रहने वाली है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड सेम ही जो मैंने आपको पहली नोटिफिकेशन में बताया हुआ है वही यहाँ पे भी रहने वाला है। यहाँ पे डिजायर्ड क्वालिफिकेशन 1 ईयर की सर्टिफिकेट कोर्स होनी चाहिए आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, इसमें भी आपका रिटन एग्जामिनेशन रहेगा, जो जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 100 मार्क्स यहाँ पे आपको रहने वाले हैं। उसके साथ ही यहाँ पे मेल के लिए वही लॉन्ग रेस, पुशअप्स, लॉन्ग जंप, एंड फीमेल के लिए वही यहाँ पे सेम रहने वाला है जो मैंने पहले नोटिफिकेशन में बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका सिलेबस रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, 10+2 स्टैंडर्ड, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, अर्थमेटिक एबिलिटीज़, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स जो आपने 12th में पढ़ा होगा उसी पे आपका जो है यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पे डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। डिटेल्स दी हुई है यहाँ पे कैटेगरी वाइज अलग अलग, टोटल 34 वैकेंसीज है। टेलीकम्युनिकेशन कांस्टेबल के 500 का फी रखा गया है, बाकी यहाँ पे सेम वही कुछ रहेगा जो आपको पहले नोटिफिकेशन में बताया हुआ है। तो ये था आज का जॉब अपडेट, हम मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू एंड टेक केयर।